पेशावर मस्जिद ब्लास्ट किसमें किसकी साजिश, तीन लेयर सिक्योरिटी कैसे पार कर गया फदायिन, क्या इमरान के अस्पताल में होते आतंकियों के इलाज। साउथ अफ्रीका में बर्थडे पार्टी में फायरिंग, आठ की मौत, कई लोग घायल, गोलीबारी करने वाले दोनों आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। कर्नाटक में चुनाव नहीं लड़ेंगे येदियुरप्पा, कहा 80 साल का हूं इलेक्शन नहीं लड़ सकता लेकिन 2024 में मोदी सरकार को वापस लाऊंगा। यूक्रेन को नहीं मिलेगा F-16 फाइटर, बाइडेन नहीं माने, जंग का रुख बदलने के लिए ज्वेलस्की के मंत्री ने की थी मांग। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम होगी, सीएम जगन रेड्डी का ऐलान, पहले अमरावती थी राजधानी प्रस्तावित। अमेरिका के फ्लोरिडा में फायरिंग, बिना गाड़ी रोके ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे हमलावर, 10 लोग घायल, फ्लोरिडा के लेक लैंड इलाके की घटना। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण, मुर्मू बोली देश में बिना डरे फैसले लेने वाली सरकार, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी क्या जिक्र। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में दिन दहाड़े फायरिंग, पार्किंग को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद हवा में गोलियां चली, एक गिरफ्तार, दिल्ली के न्यू उस्मानपुर की है घटना। अमेरिका में 1000 से ज्यादा उड़ाने रद्द, विंटर स्टॉर्म के चलते 2 कंपनियों की फ्लाइट कैंसिल, ग्राहकों को उड़ने पर मिल रही छूट। कश्मीरियों को उम्मीद, राहुल बनेंगे प्रधानमंत्री, भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कहा कांग्रेस हमारी हर बात सुनती है, हम अपनी समस्या बताने आए हैं। पाक में ब्लास्ट के बाद गम और गुस्सा, मरने वालों का आंकड़ा 100 के करीब, घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे। करनाल पहुंचे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, बोले 19 मार्च को करेंगे रैली, हरियाणा के कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा, भारत जोड़ो यात्रा का क्या समर्थन। दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन के अस्पतालों में 90% मरीज घटे, WHO बोला 3 साल बाद भी सतर्क रहना जरूरी। गौतम अडानी के 3 दिन में $34 अरब का नुकसान हुआ, टॉप 10 अमीरों की सूची से भी हुए बाहर। अजमेर दरगाह में उर्स के दौरान हंगामा और मारपीट, आधी रात को भिड़े बैरवी और खादिम, भीड़ कंट्रोल करने वाले वॉलंटियर भागे। भारत के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे स्टार्क, कहा रिकवर होने में उनको लगेगा थोड़ा समय, उंगली की चोट से परेशान है स्टार्क। भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, जीतने वाली टीम का होगा सीरीज पर कब्जा। मुरली विजय ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, BCCI और CSK को कहा धन्यवाद, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े टेस्ट में जड़े थे सटा। अंडर-19 वुमेन्स टीम का सम्मान करेंगे सचिन तेंदुलकर, भारत न्यूजीलैंड तीसरे T20 के पहले अहमदाबाद में होगी सेरेमनी। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ऋषिकेश पहुंचे विराट, अनुष्का, स्वामी दयानंद गिरी आश्रम दर्शन के लिए पहुंचे।